दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। पहली अपडेट में जानेंगे, उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर बोला जबरदस्त हमला। बोले ईवीएम मशीन को हैक करके चुनाव जीतती है भाजपा, चुनाव आयोग को भी बताया बीजेपी की कठपुतली। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी कर दिया बड़ा ऐलान। बोले 23 अगस्त को अब नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाएगा भारत। तो उधर 80 नेता और 170 कमरे संयोजक पर फैसला और लोगो लॉन्च, इंडिया गठबंधन की मीटिंग में लिए जाएंगे बड़े फैसले। तो वहीं अगर आज हुए लोकसभा के चुनाव तो 6 राज्यों में भाजपा का हो जाएगा सुपड़ा साफ। सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने ईवीएम मशीन को लेकर सवाल उठाए हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने कहा कि ईवीएम मशीन को हैक करके भाजपा चुनाव जीतती है। शिवसेना यूबीटी ने अपने मुखपत्र सामना में भारतीय जनता पार्टी पर जबरदस्त हमला बोला है। सामना के संपादकीय में लिखा गया है कि बीजेपी ईवीएम मशीन को हैक करके चुनाव जीतती है। इसके साथ ही चुनाव आयोग को भी निशाने पर लिया गया है और कहा गया है कि चुनाव आयोग से अब कोई भी अपेक्षा नहीं की जा सकती है। सत्ता पक्ष ने ईवीएम मशीन के साथ साथ चुनाव आयोग को भी हैक कर रखा है। संपादकीय में लिखा गया है कि सत्य को कितना भी दबाने की कोशिश की जाए वो लावे की तरह बाहर आ ही जाता है। इसमें कहा गया है कि बीजेपी सांसद डी अरविंद ने कहा है कि मतदाताओं तुम कोई भी बटन दबाओ वोट बीजेपी को ही जाएगा। इसका सीधा अर्थ यह है कि बीजेपी ईवीएम मशीन को हैक करके चुनाव जीतती है। चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए मुखपत्र सामना में कहा गया है कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं रहा है, वो केंद्र की बीजेपी सरकार का काम करने वाला बन चुका है। इसमें कहा गया है कि चुनाव आयोग में गुजरात मॉडल के अधिकारियों को लाकर उनसे मनचाहे अच्छे बुरे काम करवाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में जिस तरीके से शिवसेना व धनुष्बाण चिन्ह शिंदे गुट के हाथ में दिए गए इस मनमानी पर मोहर लग चुकी है। सामना में आगे कहा गया है कि आज बीजेपी ईवीएम प्रेम दिखा रही है, लेकिन ईवीएम में गोलमाल किया जा सकता है, इसका सबूत बीजेपी ने दिया था। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी तो ईवीएम घोटाले पर ग्रंथ लिखकर इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। इसमें दावा किया गया है कि अमेरिका, यूरोप, जापान, जर्मनी, बांग्लादेश और फ्रांस जैसे देशों ने ईवीएम मशीन को हटा दिया है, लेकिन जनता का विश्वास खो चुकी मोदी सरकार ने अविश्वसनीय ईवीएम मशीन का इस्तेमाल जारी रखा है। इसमें दावा किया गया है कि बीजेपी ईवीएम मशीन का इस्तेमाल केवल लोकसभा चुनाव में करती है। अखबार में कहा गया है कि मोदी साहब को राज्यों की सत्ता में इंटरेस्ट नहीं है, ईवीएम घोटाला सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ही एकमात्र सूत्र बनाया गया है। इसमें कहा गया है कि ईवीएम में दिए गए वोट पर मतदाताओं का संदेह लोकतंत्र की हार है। हमने जिसे वोट दिया और वो प्रत्याशी को मिला या नहीं मिला, इस संदेह का निराकरण चुनाव आयोग नहीं कर सकता है। इसमें कहा गया है तो फिर इन भाजपाई बड़बोली कठपुतलियों का अब कोई उपयोग नहीं बचा है। इसमें कहा गया है कि चुनाव आयोग को बीजेपी कार्यालय के रूप में अब परिवर्तित करना ही सही होगा। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी बड़ी घोषणा, अब 23 अगस्त को हर साल नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाएगा भारत। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद्रयान 3 मिशन में शामिल वैज्ञानिकों से मुलाकात करने के लिए बेंगलुरु स्थित इसरो के मिशन कंट्रोल कॉम्प्लेक्स पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चांद पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए इसरो की पूरी टीम के वैज्ञानिकों को बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की कि अब से 23 अगस्त का दिन हर साल नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। इसरो के वैज्ञानिकों से बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेरी आंखों के सामने 23 अगस्त का वो दिन वो एक-एक सेकंड बार-बार घूम रहा है। जब टचडाउन कंफर्म हुआ तो जिस तरीके से यहां पर इसरो सेंटर में और पूरे देश में लोग उछल पड़े वो दृश्य कौन भूल सकता है। उन्होंने कहा कि कुछ स्मृतियां अमर हो जाती हैं और वो पल अमर हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 23 अगस्त को भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया है, उस दिन को अब नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। और बड़ी खबर, यदि आज हुए लोकसभा के चुनाव तो 6 राज्यों में बीजेपी के एनडीए गठबंधन का होगा सुपड़ा साफ। सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में लगी सभी राजनीतिक पार्टियों की परीक्षा के अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। आने वाले कुछ महीनों के बाद नतीजे सभी के सामने आ जाएंगे, लेकिन इससे पहले कई समाचार संस्थान सर्वे के माध्यम से मौजूदा स्थिति को भांपने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके का एक सर्वे इंडिया टुडे के लिए सी वोटर ने किया है, जिसमें अनुमान
अनुमान लगाया गया है कि किन राज्यों में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की हार होगी। इन राज्यों में केरल, तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। तमिलनाडु और केरल में तो एनडीए गठबंधन का सुपड़ा साफ दिखाया गया है। सर्वे के मुताबिक बिहार में एनडीए को 14 और इंडिया गठबंधन को 26 सीटें मिल सकती हैं। पंजाब में एनडीए गठबंधन को सिर्फ एक सीट मिल सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन को पंजाब में 12 सीटें मिल सकती हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो एनडीए को 20 और इंडिया गठबंधन को 28 सीटें मिलती दिखाई गई हैं। यहां भी बीजेपी को तोड़फोड़ करने का कोई फायदा मिलता दिखाई नहीं दे रहा। वहीं टीएमसी चीफ ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में एनडीए को 18 और इंडिया गठबंधन को 24 सीटें मिल सकती हैं। आपको बता दें कि देश के दक्षिणी राज्यों की अगर बात करें तो तमिलनाडु वो राज्य दिखाया गया है जहां पर एनडीए गठबंधन को एक भी सीट मिलती दिखाई नहीं गई है। यहां पर राज्य की सभी 39 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन को मिलने का अनुमान लगाया गया है। पिछली बार भी एनडीए को यहां पर कोई भी सीट नहीं मिली थी। इसके अलावा केरल में भी इंडिया गठबंधन क्लीन स्वीप करता दिख रहा है। केरल में 20 की 20 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में दिखाई गई हैं। आपको बता दें कि इस तरीके से माना जाए तो इस सर्वे के मुताबिक एनडीए गठबंधन का 6 राज्यों में सुपड़ा साफ हो रहा है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी से मिलने के लिए श्रीनगर पहुंची सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के भी पहुंचने की संभावना। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि 3 दिन के निजी दौरे पर शुक्रवार को श्रीनगर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिलने के लिए अब उनकी मां और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी श्रीनगर पहुंची है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बोट की सवारी भी की है। इस सवारी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें सोनिया गांधी एक बोट में बैठी नजर आ रही है। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी श्रीनगर पहुंची हैं और वो जल्द ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात करेंगी। वहीं समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि राहुल गांधी अपने एक सप्ताह के लद्दाख दौरे के बाद शुक्रवार की शाम को श्रीनगर पहुंचे। वो शनिवार को अपनी मां से मिलेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा की अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ आने की संभावना है। राहुल गांधी निगिन झील में एक हाउस बोट में ठहरे हैं और परिवार के शनिवार को रैनबारी इलाके के एक होटल में रुकने की संभावना है। पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि गांधी परिवार की इस होटल से पुरानी यादें जुड़ी हैं। 2 रात यहां रुकने के बाद उनके गुलमर्ग जाने की भी संभावना है। उन्होंने ये भी बताया कि इस दौरान परिवार का कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम तय नहीं है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता ने कहा कि ये पूरे तरीके से व्यक्तिगत और पारिवारिक दौरा है और किसी भी पार्टी के नेता के साथ कोई भी राजनीतिक बैठक नहीं होगी। अगली बड़ी खबर, 80 नेता और 170 कमरे, संयोजक पर फैसला और लोगो लॉन्च, आखिर इंडिया गठबंधन की मुंबई मीटिंग में क्या क्या होगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि विपक्षी मोर्चे इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक 31 अगस्त को मुंबई में होने जा रही है, जिसकी तैयारी अब लगभग पूरी हो गई है। शिवसेना की अगुवाई में होने वाली इस मीटिंग का खाका भी तैयार कर लिया गया है। कुल मिलाकर 6 मुद्दों को पेश किया जाएगा जिस पर सभी की सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। मुंबई की मीटिंग में लोगो जारी करने की भी रणनीति है। सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन के लिए 3 से 4 लोगो तैयार किए गए हैं और इन्हें सभी नेताओं को भेज दिया गया है। बैठक से पहले जिस एक लोगो पर सबकी सहमति बन जाएगी उसे ही जारी कर दिया जाएगा। बैठक में गठबंधन के संयुक्त झंडा को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। कुछ नेताओं का कहना है कि गठबंधन का एक संयुक्त झंडा भी होना चाहिए। मुंबई बैठक में शामिल होने वाले नेताओं के लंच की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी पर है, जबकि डिनर होस्ट शिवसेना यूबीटी के मुखिया उद्धव ठाकरे करेंगे। बैठक को सफल बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और शिवसेना की संयुक्त टीम काम कर रही है। खुद उद्धव ठाकरे और शरद पवार अब तक की तैयारियों का जायजा ले चुके हैं। मीटिंग से एक दिन पहले भी शरद पवार उद्धव ठाकरे एक और बड़ी बैठक करेंगे। आपको बता दें कि माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक में बड़े फैसले लिए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन की मुंबई में होने जा रही तीसरी बैठक में लिए जाएंगे 4 बड़े फैसले। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को तीसरी बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से 4 बड़े फैसले लिए जाएंगे। पहला फैसला सीट बंटवारे के फॉर्मूले का है। आपको बता दें कि विपक्षी मोर्चे की सबसे बड़ी चुनौती सीट बंटवारे की है। पंजाब, दिल्ली, यूपी और बंगाल जैसे राज्यों में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब तक तय नहीं हुआ है।
कहा जा रहा है कि कुछ हद तक मुंबई की मीटिंग में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल कर दिया जाएगा। इसके अलावा तीसरी बड़ी बैठक में कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्यों का नाम भी फाइनल हो सकता है। गठबंधन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 11 सदस्यों की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का प्रस्ताव है। मुंबई की बैठक में इसके सदस्यों का नाम फाइनल किया जाएगा। कमेटी में एक चेयरमैन और एक कन्वेनर यानी संयोजक भी होगा, जिसका फैसला इसी बैठक में लिया जाएगा। इसके अलावा तीसरी बैठक में 2024 के मैनिफेस्टो पर भी चर्चा होगी। 2024 में मैनिफेस्टो किस रूप में निकाला जाएगा, इसकी भी चर्चा होगी। कुछ नेताओं का कहना है कि राज्य के हिसाब से भी मैनिफेस्टो जारी करना चाहिए, जिससे राज्य के क्षेत्रीय पार्टियां अपने लोगों को सीधे तौर पर साध सकें। मैनिफेस्टो में राज्य द्वारा किन मुद्दों को तरजीह दी जानी चाहिए, इस पर भी मुंबई की मीटिंग में बात होगी। इसके अलावा चौथा फैसला इंडिया गठबंधन का लोगो लॉन्च करना है। मीटिंग से पहले ही इंडिया गठबंधन का लोगो लॉन्च किया जाएगा। गठबंधन के लिए 3 से 4 लोगो तैयार किए गए हैं। सभी लोगों को भारत के प्रतीक को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक में लोगो 100% लॉन्च कर दिया जाएगा। इसके अलावा इंडिया गठबंधन के झंडे को लेकर भी चर्चा होगी। और बड़ी खबर, राहुल गांधी के सॉफ्ट हिंदुत्व पर कांग्रेस पार्टी के ही वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने फैला दिया रायता। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लगातार चुनाव हार रही कांग्रेस पार्टी में जान फूंकने के लिए राहुल गांधी के सॉफ्ट हिंदुत्व पर पार्टी के ही वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने रायता फैला दिया है। अय्यर ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास करना राजीव गांधी का गलत फैसला था। बाबरी विध्वंस के वक्त देश के प्रधानमंत्री रहे पीवी नरसिम्हा राव की भूमिका पर भी अय्यर ने सवाल उठाया है। उन्होंने राव को बीजेपी का पहला प्रधानमंत्री बताया है। अय्यर ने यह बयान अपनी आत्मकथा के विमोचन पर दिया है। मणिशंकर अय्यर के बयान को बीजेपी ने हाथों हाथ लपकते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी ने अय्यर के बयान को नरसिम्हा राव के अपमान से भी जोड़ा है। राव के पोते ने भी कांग्रेस हाईकमान पर हमला बोला है। जानकारों का कहना है कि राव के जरिए सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि बनाने में जुटी कांग्रेस पार्टी के लिए मणिशंकर अय्यर का यह बयान नुकसानदेह साबित हो सकता है। वैसे अय्यर पहले नेता नहीं है जो अपनी किताब बेचने के लिए पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में ऐसे नेताओं की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के सॉफ्ट हिंदुत्व पर फिलहाल पार्टी के ही वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने रायता फैला दिया है। अगली बड़ी खबर, क्या विपक्ष के गठबंधन का नाम इंडिया दिला पाएगा विपक्षी गठबंधन को वोट, लोगों ने दी अपनी राय, सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि आगामी लोकसभा का चुनाव अगले साल 2024 में होना तय है। देश में इसको लेकर दो बड़े गठबंधन आपस में टकराने को तैयार है। एक बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन है, जिसमें कुल 38 दल शामिल है, जबकि दूसरी ओर एकजुट होकर बनाया गया विपक्ष का इंडिया गठबंधन है, जिसमें कांग्रेस टीएमसी समेत 26 विपक्षी पार्टियां शामिल है। इस बीच इंडिया टुडे सी वोटर ने लोकसभा सीटों के साथ साथ विपक्ष के इंडिया गठबंधन नाम रखने को लेकर एक बड़ा सर्वे किया है, जिसमें लोगों ने बताया कि ये 2024 में आखिर कितना कारगर साबित होगा। विपक्ष की ओर से गठबंधन का नाम इंडिया रखने के फैसले को लेकर सर्वे किया गया है, जिसमें लोगों से इंडिया नाम को लेकर अपना ओपिनियन मांगा गया है कि क्या 2024 के चुनाव में ये नाम लोगों को आकर्षित करेगा, क्या ये नाम विपक्ष को वोट दिला पाएगा, इस पर लोगों ने अपना मत दिया है। इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे के मुताबिक सबसे अधिक 39% लोगों का मानना है कि इंडिया नाम से विपक्षी गठबंधन को वोट मिलेगा, जबकि 30% लोगों ने कहा कि इंडिया नाम से वोट नहीं मिलने वाला है, जबकि 18% लोगों का मानना है कि इंडिया नाम ना तो आकर्षित करेगा और ना ही वोट दिला पाएगा। आपको बता दें कि सर्वे के मुताबिक सबसे अधिक 39% लोगों का मानना है कि इंडिया नाम लोगों को आकर्षित भी करेगा और वोट भी दिलाएगा। लेकिन आपका क्या मानना है, क्या इंडिया नाम रखने से लोगों आकर्षित होंगे, क्या ये इंडिया गठबंधन को वोट दिला पाएगा? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।